सुबह के 7:34 हो चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और यह आज हम जहाँ खड़े हैं वह है ग्राम पालवास। पालवास जो सीकर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ पे जैसे हम एंटर करते हैं इसकी पश्चिमी दिशा से, तो ये श्री गोपाल गौशाला है पालवास। ठीक है, बहुत ही विशाल गौशाला है, इसका भी जो है बड़ा भव्यता से निर्माण किया गया और काफ़ी अच्छी मात्रा में तादाद में गोवंश यहाँ पे जो है संरक्षण को प्राप्त हुआ है। ये देखिए, तो शायद कोई वेयर हाउस है यहाँ पे चारे वगैरह के लिए, और ये लेफ्ट साइड में हजारों की संख्या में यहाँ पे है गोवंश जो है। देखिए, बिल्कुल निर्भय होके अपना जो है जीवन यापन यहाँ कर रहा है। धन्य है जो धार्मिक जो श्रद्धा भाव रखने वाले जो है धर्मालु हैं। और अब हम चलेंगे, आज का जो हमारा विजिट रहेगा वह रहेगा ग्राम श्यामपुरा, जो कि सीकर से लगभग 11-12 किलोमीटर दूर है। और काफ़ी समय हो गया जो गांवों के जो वीडियो जो हुआ करते थे, जिसमें हम ग्रामीण जीवन से आपको बिल्कुल रूबरू कराते थे, उनकी जो श्रृंखला एक वापस हम चालू कर रहे हैं। हम तो बने रहिए DPSP के साथ, क्या मिलता है, कोई चर्चा करेगा तो चर्चा भी करेंगे, वरना यू टर्न करके वापस ही कर। ब्यूटीफुल, ये देखिए चने के खेत, शानदार, दोनों रोड के दोनों तरफ हेज, वृक्षों की हेज, झाड़ियों की नहीं, बड़ी बड़ी देखिए, मातृशक्ति का संघर्ष देख सकते हैं आप, अनुभव करें इसको, और घर बैठे देखें भाई संघर्ष। जिस समय हम रेस्ट कर रहे होते हैं उस समय भी कहीं ना कहीं संघर्ष रहता है, जो कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में एक योगदान जो है देगा, तो इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते मातृ शक्ति के सतत संघर्ष को। ये आ गए भाई साहब एक सलामी देने के लिए, लगभग लगातार साथ ही चल रहे हैं। राइट है इनका, श्री करणी कृषि फॉर्म, ये कोई जोड़ी है छोटी सी, सकते हैं यह देख सकते हैं आप, जगह जगह अट्टालिकाओं का निर्माण हो चुका है भाई साहब। ये वो है प्रिंस की डिफेंस एकेडमी, शायद पीछे बोर्ड लगा हुआ था, और ये देखिए सूर्य देवता स्प्रिंकलर सिस्टम से प्याज की फसल को पानी की जो है पानी उपलब्ध कराते हुए, क्या क्या नाम है देखिए, उधम हाउस, MPS हाउस, लोहिया हाउस, ये प्रेरक जो हमारे समाज के रहे हैं पुराने, उनके नाम पे है, इनके हॉस्टल छात्रावास वगैरह का नामकरण किया गया है। बहुत ही प्यारा, देखिए सुबह सुबह का जो जीवन होता है यार, बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल नीला आकाश, बीच में कुछ बादल सफ़ेद, चलते रहिए श्यामपुरा, तेतरवाल निवास श्यामपुरा। ये देखिए आप, एक स्कूल बस आ गई है बहुत ही प्यारा, डैफोडिल्स की बस है साहब ये ये देखिए, शायद ये वो है, क्या नाम से, प्रोहिबिटेड है इनकी, काट नहीं सकते इन पेड़ों को, संरक्षित वृक्ष है ये, देखिए कितने लगा रखे भाई साहब, क्योंकि इसका दुरुपयोग उसमें होता है, फर्नीचर निर्माण में करते हैं लोग बाग। वाह, धीरे 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 गोल्डन कलर लेने लग गई गेहूँ की फसलें भी, कनक का स्वरूप प्राप्त करते हुए, कनक कनक ते सोगुनी, ये देखिए येलो हो रहा है गोल्ड की तरह, ब्यूटीफुल, शांत जीवन, सीकर शेखावाटी, सुबह की दुनिया, DPSP की साइकिल के साथ, प्याज की फसल है भरपूर मात्रा में लहलहाते हुए, देखिए आप बहुत ही प्यारा। ये भाई साहब ने एक श्वान पाल रखा है, विदेशी नस्ल का है शायद, के नाम है इको, अरे भाई दादा बस्ती है, देखो सुबह सुबह मेहनत करनी पड़ेगी क्या आगे, टीका टीका लगवा जो के टीका, हेलो
अच्छा अच्छा बस बस कुछ पशु बाड़ा है इनका। वही यार पाल तो लो, ये है कि डॉग्स का थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है एक्चुअली में, क्या इनका कांटेक्ट हो जाता है ना स्ट्रे डॉग से तो फिर प्रॉब्लम तो रहती है कई बार, क्या कोई इन्फेक्टेड हो, रेबिड डॉग हो, इसलिए प्रेफर नहीं करते हम तो। बाकी फिर अगर पालना ही है तो प्रॉपर वैक्सीनेशन ज़रूरी होता है कभी भी, क्योंकि बहुत इट कैन बी डेंजरस, जो वायरस है। अच्छा कुछ वायरस का तो ट्रीटमेंट है, और रेबीज एक बार हो गया तो गए काम से। कर्णावत कृषि फार्म ध्यान दिए रे। ये गोल्डन कलर हो गया थी क्या, कनक का स्वरूप प्राप्त करते हुए, ब्यूटीफुल। ये है शिखर शेखावाटी की दुनिया यार, सुबह की कर्णावत भवन खेड़ी बनाई हुई है भाई जी। जय श्री राम। हाँ 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 हाँ। तो अभी तो ये था सब बजे, इतनी ठंड तो है ही को नहीं। ये कचरो बड़े ना बैठ का। अच्छा ये के कचरा रा कौन सा है के घर नहीं मारा बैठा डदरा पर। अच्छा अच्छा चलो, अभी तो देखो खेत खेता में पूरी हरी भरी हो रही है फसल। हाँ अभी दो एक महीना बाद में तो सूखा सूखा दिखला खेत सारा। हाँ दो एक महीना बाद में तो अब कटवा अजी तो आएगा जो तो ए जो है कि जोर गेहूं को क्या बेरो पड़े जो को थोड़ा वो टिको है सुयो दूर से देकर कौन बता सके दूर से भी बता सके। अच्छा अच्छा जो जल्दी आवे। अच्छा अच्छा कहीं लाग रही है तो मेथी है। हाँ मेथी है। अच्छा 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 चलो कटे सी गाय लाग ठीक है। धन्यवाद। तो ये है यार देखिए कुछ मटकियाँ पड़ी हुई हैं अभी टूटी हुई। ये मेथी है एक्चुअली में, मेथी जो ग्रीन कलर की मेथी खाते हैं ना अपन, अभी पक गई तो इसमें मेथी के बीज आने लग जाएंगे। वाह ये देखिए बर्ड्स पानी के लिए इंजॉय करते हैं। बुलबुल है बुलबुल बुलबुल। ये है वाटर का एक पॉन्ड, देखिए रिजर्वायर क्रिएट किया गया है यहाँ, ब्यूटीफुल शानदार। चलिए सतत श्यामपुरा सीकर की तरफ बढ़ते हुए थोड़ी। हाँ ये है श्यामपुरा की तरह क्या कासर वाली रोड आ गई यार, ये तो लग रहा श्यामपुरा इधर है क्या, पूछते हैं किसी से। ये देखिए बड़ा सुंदर सा घर है यार, चीकू के पेड़, अमरूद के पेड़, आंवले के पेड़, फलों के पेड़ हैं सारे, ब्यूटीफुल। ये देखिए डीपीएसपी को देखो आप, वाह देखिए भव्य लैंडस्केप्स शिखर शेखावाटी जिंदाबाद। बस स्टैंड बनाए गए हैं खेतड़ों की डाणी तासर छोटी, ब्यूटीफुल। वही खेली खेली निर्माण जगह जगह है भाई साहब, तो प्याज भी पक गए। मज़ा आ रहा है यार काफ़ी समय के बाद में आज। ये देखिए एक भवन का निर्माण चलते हुए, चारों तरफ ग्रीनरी है। अभी महीने दो महीने में होली के बाद बिल्कुल जो है कटिंग वटिंग रहेगी तो फिर कुछ नहीं बचना, फिर गई चार महीने की। ये देखिए आप विशाल एक ग्रीन हवेली, ब्यूटीफुल। चौधरी रतनलाल जी फोगावट साहब वीर तेजा कृषि वारम, वाह देखिए कलरफुल। हाँ कटिंग वटिंग चल रही है इधर। ये देखिए हरी मिर्ची, हरी मिर्ची लगा गई लगाई गई है, यूरो की बस आ गई है। चलते रहिए देखिए, एक बोली जितनी दूरी तक देखो आप, सिंपल बिल्कुल लैंड है पूरा, विस्तार देख सकते हो आप, कोई कमी नहीं है। तासर छोटी 800 मीटर आगे है,
तासर छोटी आएगी फिर, चलो कोई नहीं, तासर छोटी होते हुए देखेंगे शामपुरा किधर रह गया, शायद राइट साइड से आएगा, देखेंगे वापस यू टर्न करेंगे जब। ये देख सकते हो आप मजदूर का जीवन, सुबह सुबह मजदूरी के लिए निकल चुका है परिवार। ये देखिए आप बच्चा गोद में, आज भी स्थायी रूप से जो है नीड का निर्माण जिसका हो नहीं पाया है। चलते रहिए, देखते रहिए, बने रहिए। प्याज के फ्लावर्स दूर से तो जैसे बाल ऐसे लगते हैं अफीम के फ्लावर, बट अफीम नहीं है यार, ऐसा मत सोच लेना आप एक ऐसा ही दिखता है जब उसका फ्लावर निकलता ना, ओपियम का खेड़ी वगैरह खूब बनाई हुई है इस एरिया में। पशुओं के प्रति प्यार अच्छा है, बहुत ही प्यारा। देखिए इधर सघन वृक्षारोपण, ग्रीनरी देखो आप इधर राइट साइड में, ब्यूटीफुल। ये तासर छोटी गांव है। चलो निकले थे हम भ्रमण करने शामपुरा गांव का रास्ते में तासर चोटी आ गया, ये लो जैसे होता ना, मैं निकला गड्डी लेके बाजोर आया, शामपुरा बाजोर आया, ये वैसा ये वैसा होगा ना, लाहौर की जगह बाजोर है वो। ये उच्च प्राथमिक विद्यालय तासर चोटी का है, ये देखिए आप, ये है ताजसर कर्णावतान, सेवत बड़ी सीधा मोलिया सी, ताजसर शामपुरा राइट में है। चलिए कोई नहीं, ये देखो आप तो, ये राजकीय पशु चिकित्सालय स्वास्थ्य उपकेंद्र तासर छोटी, ये इस साइड है, ये बस्ती पूरी तासर छोटी में होते हुए चलेंगे अब अपना। देखिए इसी साइड शामपुरा है, फिर वहाँ से रिटर्न कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं दूर दूर तक। ये देखिए आप सूर्य, और सूर्य की जो प्रकाश आपके DPSP पे जो आशीर्वाद देते हुए पेड़ों से छन कर आते हुए, तासर छोटी उच्च प्राथमिक विद्यालय है। ये देखिए और फेस पे आप लाइट देख सकते हो सूर्य की, और ये शामपुरा का बोर्ड आ गया इधर, देखिए शामपुरा इस तरफ से निकलेगा शामपुरा, तो शामपुरा चलेंगे क्या है, फिर इधर खेली आ गई। यानी ठीक है, पशु वशु भी ठीक है, क्वांटिटी में से शुरुआत अपन ने की थी तो वहाँ पालवास पर मिल ही गया था आपको गौशाला बड़ी सारी, और पशुधन गौधन काफ़ी सारा तादाद में वहाँ था, जो कि संरक्षित संरक्षण प्राप्त करते हुए जो गौशाला के जो संचालक हैं उनके सानिध्य में। ये देखिए तासर छोटी ग्राम, ये सब ये खुजली करते हुए यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, वाह कुआ वगैरह ब्यूटीफुल। तो ये है भाई साहब ठाकुर जी का मंदिर है तासर चोटी का, ये हो ठाकुर जी महाराज की, अरे वाटर टैंक बना हुआ ही, और इंटरलॉक वगैरह लग के मंदिर को भव्यता प्रदान की गई है, बहुत ही प्यारा पूरा धर्मलु अनुभव। वाटर टैंक, ये वाटर कूलर में ठंडो पानी भी रहवा के कनेक्शन है, अभी तो खैर सर्दियाँ में तो क्यों सी चालू, वेरी गुड। अरे वाह यार बच्चे, बड़ा प्यारा बच्चा है यार तू तो। ये देखिए अध्यात्म जो है बहुत आवश्यक है बच्चों के लिए, स्कूल जाने से पहले बाबू बिल्कुल जल वल चढ़ाने के लिए आ गए, तो ये आवश्यकता है कि भाई थोड़ा आध्यात्मिक अनुभव भी बच्चों को अपन दें। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए एकमात्र जो स्थान होता है ना वो हमारे गांव है, आज भी इन्होंने बचा के रखी हुई बहुत सारी चीज़ें। तो बरगद का पेड़ वो तो मैं बताऊँ 20-21 साल पुराना है, पहले क्योंकि मारो एक लगाइड है पहली जब मैंने वेरो है 20-25 साल पहले की साइज सी हो, और पुजारी जी यही है हमारे। अच्छा अच्छा लगाइड है पुजारी जी को, लगाइड है वो एक गुना और चार कर दियो, देखो वो कठिन है जो वो तो यार, एक तो ओ कर दियो और एक तो और तैयार कर दियो, देखो वो गाड़ी जा रही है
गाड़ी लाग गई ना। तो देखिए वृक्षों का बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? एक तो छाया देता है, पशु पक्षी पक्षी भी रहते हैं बारिश बारिश में, ठंड में, गर्मी में, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अभी शहरों में तो जगह ही नहीं ये चीज़ें करने के लिए, है ना। जगह हो तो इंसान करे ना। नया बनाया हुआ है, पुराना ही है ये, पुराना, ये देखो ये। अभी मैं कई जगह देखे, एक सिंगल बाटा की खेली भी बने थी कई गाँव में, गुंगारा में है, कई जगह बाटा की खेली, कई जगह बने। हाँ मतलब अभी तो सीमेंटेड भी बना हुआ ना आजकल, भैया बाटा की को खोद रहे। हाँ हाँ गुंगारा में बड़ी सारी, मैं बताऊँ तो ना कहीं साइज की बड़ी शेवत का, छोटी शेवत नहीं, बड़ी शेवत नहीं, छोटी नहीं। पर पुराना टाइम में मेहनती कतरा अजीब बाप खेबा को मतलब यह है, ढाणा में तो ढाणा वालो सिस्टम तो आजकल कटे दिखे ही कोने, ढाणा तो गया बे, सब सिस्टम खत्म हो गया क्या पानी कोने। अपन ये आपने पुराना है, बड़े रंग पुराना लेड हो, पुराना लेड हो बाबू। अभी ड्यूटी कहां सर? ये है भाई साहब तासर, छोटी गांव के ग्रामीण जन और बड़े ही जो है इनका मिलन का, जो मिलने का, जो भारी व्यक्ति से जो है इनका रहता है व्यवहार, आपने स्वयं देखा यार, बोलने की जरूरत ही नहीं। ये देखिए पुराने भवन कुछ, पुरानी बस्ती, ये देखिए आप, ये सब देखिए पुराने, वही स्टोरी है सभी गाँव की एक ही जैसी। आ झोपड़ी तो बहुत पुरानी बने थी देखी, देखिए पैरट और कबूतर साथ में चरते हुए जीमते हुए, सॉरी ये देखिए शानदार ब्यूटीफुल अति सुंदर। ये देखिए ठाकुर जी का मंदिर आपने देख ही लिया, और ये है पुराना एक मकान बहुत ही जर्जर अवस्था को पाते हुए। ये देखिए अपने यहाँ से चलते ही हैं वापस यू टर्न करके, वरना फिर हम हो जाएंगे लेट। आज सोमवार भी है, तो सोमवार होने से ये क्या वाटर हार्वेस्टिंग का दिखते हैं, देखिए वाटर हार्वेस्टिंग। तासर छोटी ग्राम, पुराने देखिए मकान। हेलो बच्चों क्या हाल है, स्कूल नहीं गया भाई आज? गुड। ये क्या वाटर हार्वेस्टिंग का है क्या, पानी वानी का? पानी का। तो क्या पूरा बना रखा है कि अंदर कोई अंडरग्राउंड में नालियां वगैरह के? पूरा पाइप लगा हुआ है अंदर भी, अच्छा 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 अच्छा। ओके 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 ओके। ये जामुन का पेड़, ये देखिए जालियों में जगह जगह वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लगा रखा है, ताकि जो बारिश का पानी जो इकट्ठा होता है ना, वह बारिश का पानी जो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनके अंदर जाके इकट्ठा हो जाए और वाटर को रिचार्ज कर दे। ये सब पुराने वही कहानी है सभी जगह की। उप स्वास्थ्य केंद्र तासर चोटी बड़ा प्यारा सा कलरफुल बनाया गया है, देखिए आप, बहुत ही प्यारा है। ये क्या है यार भैया? ये खड्डे खोदने का है। अच्छा अच्छा हाथ से खोदते हैं क्या इसमें? नहीं नहीं, इसको ऊपर से घुमाते हैं तो खड्डा कुछ ज्यादा है अंदर को। अच्छा ऊपर मिट्टी निकाल के फेंक देता है ये? वेरी गुड यार, किस चीज के में काम, जैसे कोई पेड़ वगैरह या पौधे? नहीं पेड़ वगैरह नहीं, ये जो होते हैं ना बाटे, हां इनको रोपने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तलाई एंड रोड एंड तलाई आ गई। वाह इधर भी एक पेड़ है बड़ा सारा, देखिए आप पीपल का पेड़ देखिए, विशाल उसका दायरा देखो आप। शानदार, वाह मंदिर के अंदर घंटियां बजते हुए आप देख रहे हैं सुन रहे हैं।
मुझे लग रहा है गोगा जी महाराज का मंदिर है, बहुत ही प्यारा। वाह, इधर भी वृक्षारोपण अच्छे खासे किए हैं, ब्यूटीफुल। एक ऊंट गाड़ी शानदार। तासर छोटी ग्राम है, तासर छोटी, तासर बड़ी का तो हमने वीडियो बनाया हुआ। वाह संदीप, बड़ा प्यारा गांव है आपका तो यार। इसको मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ क्या यार, कि भाई इससे कैसे खुदता है, ताकत वाकत कैसे लगेगी इससे? ये संदीप जी बता रहे हैं, ये देखिए खड्डा खोदने के लिए बड़ी अच्छी सी इन्होंने एक मशीन इजाद की है। अच्छा, गीली मिट्टी में ज्यादा काम करता है। अच्छा गीली तो, हाँ ठीक है, क्योंकि वापस हो जाती है एंट्री ना। एक बार मैं ट्राई करता हूँ, आप इसको थोड़ा सा पकड़े। ये देखो सर, ये बिल्कुल कट हो रहा है, बीच मिट्टी का ऐसा फील आ रहा है कि कट हो रहा है इसके अंदर। तो गीली मिट्टी जो होती है ना वो निकल के बाहर आ जाती है। हाँ, सूखी तो क्या ये वापस अंदर घुस जाती है। ऐसे उठाते हैं तो गीली होती है वो। ये रेडीमेड मिलता है क्या? हाँ, बनना बनना ही आता है। ओके ओके, कितने का आता है संदीप जी? पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए थैंक यू। ये देखिए सर, पुराने जो है कुएं वगैरह है और पशु। चलते रहिए चलते रहिए, वापस हमने यू टर्न किया। ये देखिए कुछ अवशेष पुराने भवन के, ये नया निर्माण भी हो गया। देखिए धर्म को बिल्कुल इन्होंने जो है संरक्षित किया हुआ है। पानी की देखिए ये लगाई है, दो मटके, ब्यूटीफुल। देखिए पुराने हवेली नुमा मकान है यार, ये खत्म हो गए, सब कोई है ही नहीं है, सब खेतों में चले गए। सोचो आप ये सब, ये जो प्रॉपर्टीज थी मतलब कितनी कीमती थी उस जमाने में। वापस आ गए, ओके भैया भाई, वाटर हार्वेस्टिंग का बड़ा ही प्यारा यार। कौन सी क्लास में हो? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये है तासर छोटी ग्राम, देखिए वाटर टैंक है। हेलो बच्चे, क्या हाल है? ये कौन सी क्लास में हो आप? टेंथ क्लास में। कौन से स्कूल में जाते हो बेटा? बालवाटी। अच्छा 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 अच्छा, चलिए तो यहाँ बस आएगी या कोई सरकारी, उसमें ऑटो वगैरह आता है? अच्छा 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 अच्छा, क्या बनने का इरादा बेटा? एयरफोर्स। वेरी गुड यार, तो सुबह सुबह दौड़ वगैरह लगाता है क्या बेटा? अरे दौड़ तो करनी पड़ेगी बेटा, टेंथ क्लास में तो। अच्छा अच्छा, बोर्ड क्या राजस्थान बोर्ड है? अच्छा 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 अच्छा, चलो करो यार बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। ये है सर, ये देखिए यहाँ भी वाटर, एक्चुअली में वाटर कंजर्वेशन की तरफ बहुत ज़्यादा काम किया गया इस गांव में, जो मेरी समझ में आया। इस तरह के जो वाटर के चैनल्स हैं ना, ये देखिए चारा डाला हुआ है यार, देखो धर्मालु तो है यार लोग बाग। जय सिया राम भाई जी, जय सिया राम, जय। ये क्या देखो चारा डाल रहे यार, देखो। ये देखो फिर डाल दिया उसके लिए सांड को भाई साहब। चलो सर, तो ये था तासर छोटी ग्राम और वहाँ के ग्रामीण और कुछ बच्चे और 20-25 साल पुराना बरगद का पेड़ और धर्मालु अनुभव पूरा। ये यहाँ पे देखिए, ये चार दो स्वान अपनी माता के साथ खेलते हुए, ब्यूटीफुल। क्या हाल है? कौन सी क्लास में हो? वेरी गुड। क्या सब्जेक्ट है बेटा? साइंस। मैथमेटिक्स है बायोलॉजी? अच्छा 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 अच्छा, तो कहाँ कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की हुई है? स्कूल में ही हो? ओके चलो। ये देखिए नंदी, नंदी जय हो नंदी देवता। अब ये देखिए आप सनलाइट को फेस पे फील करें यार, देखो बड़े मिलनसार लोग होते हैं यार, और बिल्कुल ऐसे मिलते हैं जैसे आप मतलब उनके परिवार के ही सदस्य हो, इस तरीके से उनका बर्ताव रहता है और अच्छा एक अनुभव होता है। विशाल एक जर्मन शेफर्ड
अब ये हम एक्चुअली में तासर से रिटर्न कर चुके थे, तो हुआ क्या कि भाई उधर कह रहे कच्ची सड़क है, उन्होंने बताया यार गांव में तो कच्ची सड़क हमने छोड़ दी। हमने कहा भाई वापस ही जाओ आप यू टर्न करके। ये देखिए अब एक वो क्रॉस रोड आएगा, उधर से हम निकलेंगे शामपुरा के लिए। ये चीज है ना कि मैं सुबह रिकॉर्डिंग भी करी। अब पेड़ वेड़ देखो, चीकू का, आम का, संतरा वंतरा भी ठीक है, मौसमी संतरा, बील, आंवला है। चलो देखो यार, जो देखिए जो पर्यावरण वरण के तो कोई रात लेट है ना उठने हो रहा स्कूल जाशो मतलब टीचर हूं। अच्छा अच्छा आप बादवासी जाशो। हां तो ये देखिए सर, पर्यावरण के प्रति जो प्रेम रखता है ना, हां उसको समृद्धि छोड़ती नहीं है, इसका आप अनुमान लगा सकते हो। आपके देखिए आप घर पे रहो चाहे नहीं रहो, इधर कहीं इधर बाहर भी हो ना तो भी देखो आप, मतलब जो हरियाली और एक सुखद अनुभव रहता है अगर वृक्षारोपण आपने अगर अच्छा किया, वृक्षों के प्रति प्रेम रखते हैं तो। तो ये देखिए हमारे जानकारी निकले है, थोड़ा टाइम कम मिलता है पौधों का नहीं तो नहीं 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 वो तो देखो प्रकृति इंसान की पता लग जाती है। वो चीकू का वो कागजी नींबू आता उसका सही वो वाला पीछे। हाँ 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 संतरा का था। अच्छा अच्छा ये मौसमी का तीन चार पौधे तो सारे लगा रखे। अनार भी लग रहे हैं, अनार भी है, अनार लगेड़ा भी हाल तो अनार लगे हुए हैं। वो कहीं लगाया है पड़ोस वाली बिल्डिंग थारी बनाई है। अच्छा अच्छा कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी है तारा, मतलब इंटरेस्ट करते थे पहले, इधर कॉलोनी भी काटी हुई है। अच्छा 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 चलो करो आप भी स्कूल जाओगे लेट होगे यार ये देखो इतनी गोल है दुनिया, मतलब सब जानकार भी मिल जाते हैं ऐसा, और मज़ा आता है यार, मिलते जुलते हैं तो मज़ा आता है, लोगों से एक अच्छी फील रहती है पूरे दिन, फील गुड। फील गुड का समय आ गया भाई साहब वापस, मई 2024 ये आ गया क्रॉस रोड। अब हम चलेंगे इधर से लेफ्ट साइड शामपुरा, 2 किलोमीटर बता रहे हैं ऐसा। तो ये था तासर छोटी तक का, कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्त तासर छोटी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साइकिल खरीदें, मिलें जुलें, ऐश करें, एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स, बाय। और ये है देखिए क्रॉस रोड,